गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स मी शहाना परवीन, योर साइंस टीचर। गाइस, हमने हीट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स में हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट और हमने क्या पढ़ा था गाइस, एक्सपेंशन पढ़ा था सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में, कि कैसे कैसे एक्सपेंशन होता है। जब उन्हें हीट मिलती है तो कैसे गैसेस, लिक्विड और सॉलिड जो थिंग्स होती हैं वो कैसे एक्सपेंड करती हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट टेम्परेचर। What is temperature guys? The degree of hotness and coldness of a body is called temperature. किसी भी बॉडी की जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है, जो उसकी डिग्री होती है, उसे ही हम टेम्परेचर कहते हैं। The hotter a substance is, the higher its temperature. अगर कोई सब्सटांस, कोई पदार्थ क्या है guys? गर्म है, बहुत ज़्यादा hotter है, तो उसका temperature high होगा। When we touch a hot object, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, वी फील हॉट। हम कैसा फील करते हैं गाइस? गर्म फील करते हैं, हॉट फील करते हैं, बिकॉज द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इन आर बॉडी। क्योंकि उस हॉट ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई है। एंड वैन वी टच अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हम कोई ठंडा ऑब्जेक्ट, कोई ठंडी चीज़ को टच करते हैं, वी फील कोल्ड, तो हम ठंडा फील करते हैं। क्यों? बिकॉज हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम आर बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। उस कंडीशन में हम गर्म हैं, तो हम जब टच करते हैं किसी ठंडी चीज़ को, तो जो हमारी एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो हमें चीज़ ठंडी फील होती है। सो हीट एनर्जी फ्लोस फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी फ्लो करती है। टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस, मेजर करने के लिए, नापने के लिए किसी भी चीज़ की हॉटनेस को या कोल्डनेस को, वी यूज़ थर्मोमीटर। हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं गाइस। थर्मोमीटर क्या है? ये एक यंत्र है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। एंड वी यूज़ डिफरेंट थर्मोमीटर स्केल्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। अब मेजरिंग टेम्परेचर करने के लिए थर्मोमीटर स्केल्स भी अलग अलग होते हैं, ये सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में क्या है गाइस? टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। इसमें हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, ठीक। द लोअर एंड इज मार्क्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो इसका लोअर एंड होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, और जो इसका अपर एंड होता है उस पर 100 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, उस पर मार्क होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। 0 डिग्री सेल्सियस गाइस फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। दूसरी स्केल आती है गाइस, फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल में क्या है गाइस? टेम्परेचर इज ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री फारेनहाइट। इट्स लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है गाइस, उस पर क्या लिखा होता है? 32 डिग्री फारेनहाइट, जो लोअर होता है। जैसे उसमें लोअर 0 डिग्री था, इसमें लोअर है 32 डिग्री फारेनहाइट। एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो है 212 डिग्री फारेनहाइट। एंड वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर स्केल। मीन्स हम एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये बताइए फारेनहाइट में कितने डिग्री फारेनहाइट होगा। तो हमें डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए गाइज फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए फॉर्मूला क्या है गाइज? अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको उसे फारेनहाइट में चेंज करना है, तो ये फर्स्ट वाला हम करेंगे, जिसमें F इज इक्वल टू 9/5 × C + 32। तो आपको डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया होगा, सपोज 37 ही आपको दिया है, तो आप C की जगह 37 फिल करेंगे और आप इस पर बोर्ड मास का रूल लगाकर यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर 98.6 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा। बाकी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, या फिर जब भी स्कूल, अगर स्कूल ओपन होते हैं तब भी बताया जाएगा। उसके बाद है, अगर आपको टेम्परेचर फारेनहाइट में दिया हुआ है और आपको बोला जाता है कि आप इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, मीन्स आपको बोल दिया जाए कि बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फारेनहाइट है, तो ये बताइए डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो उसके लिए हम ये सेकेंड वाला है फॉर्मूला, इसको पुट करेंगे, सी इज इक्वल टू 5/9 × F − 32। यहाँ ब्रैकेट है गाइस, तो आप बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग जो भी है आपका, पहले आप क्या करते हैं ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर F जो भी दिया होगा आप वो रख लेंगे, फिर
फिर है गाइस मीजरिंग टेम्परेचर. थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मीजर टेम्परेचर. थर्मोमीटर क्या है गाइस, मैंने आपको अभी भी बताया था, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है टेम्परेचर मीजर करने के लिए. द थर्मोमीटर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी इज अ थिन ग्लास ट्यूब स्केल्ड सील्ड एट वन एंड, सॉरी सील्ड होता है एक वन एंड से विद अ बुल फील्ड विद लिक्विड एट द अदर एंड. द मोस्ट कॉमनली यूज लिक्विड इज मर्करी. मर्करी इज यूज बिकॉज, देखिए गाइज मैं आपको बता देती हूँ, थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, किसका बना हुआ है, ग्लास की ट्यूब है जो एक साइड से सील्ड होती है, ठीक, और विद अ बुल फील्ड विद अ लिक्विड, एक साइड से जो लिक्विड होता है उससे फील्ड होती है एट द अदर एंड. द मोस्ट कॉमनली यूज लिक्विड जो होता है, जो उसके अंदर लिक्विड भरा जाता है, जो लिक्विड फिल होता है, जो आपने देखा है कि आप उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, जो पारा है ऊपर नीचे जाता है तो आप बता देते हैं, तो वो जो लिक्विड है वो क्या है, वो मरकरी है. और मरकरी क्या है गाइस, एक मेटल है. ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मरकरी ही एक सिंगल ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है. अदरवाइज आपने सिल्वर देखा है, गोल्ड देखा है, आपने आयरन देखा है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, ये जितने भी मेटल हैं रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड रहते हैं. ऐसा नहीं रूम टेम्परेचर पे ये हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है. इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, इन्हीं की वजह से इसे थर्मोमीटर में फिल किया जाता है. एक तो मेटल की क्या क्वालिटी होती है, मेटल हीट मिलते ही एक्सपेंड करते हैं, फैल जाते हैं. तो मरकरी इज यूज क्यों किया जाता है, इट इज़ सिल्वरी एंड कैन बी इजिली सीन. एक तो ये सिल्वर कलर का है और ये इसे हम इजिली सीन कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं. इट डज़ नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ द थर्मोमीटर. ये थर्मोमीटर की वॉल पर कभी भी चिपकता नहीं है. ये गुड कंडक्टर है हीट का, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैज़ यूनिफॉर्म एक्सपेंशन. ऐसा नहीं है ये थोड़ा मतलब कहीं से ज़्यादा कहीं से कम एक्सपेंड हो जाएगा, ये इक्वली यूनिफॉर्म एक्सपेंड होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन भी इसमें यूनिफॉर्म ही होता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. जब टेम्परेचर इसे मिलेगा तो सेम टेम्परेचर, जब टेम्परेचर मिलेगा तो पूरा एक साथ एक्सपेंड होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. मरकरी कैन नॉट यूज फॉर मीजरिंग टेम्परेचर बिलो 39 डिग्री सेल्सियस. मरकरी का यूज़ नहीं किया जा सकता 39 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर मीज़र करने के लिए. इन सच थर्मोमीटर, उस तरह के थर्मोमीटर में एल्कोहल विच फ्रीज एट 117 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड. जो 117 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना फ्रीज होती है अल्कोहल, वो यूज़ की जाती है अगर हमें 39 डिग्री सेल्सियस से बिलो का टेम्परेचर मेज़र करना है तो. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ मेज़र्ड, जब हम किस अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, इट इज़ पुट अलॉन्ग विद द बॉडी, ये बॉडी पर रखा जाता है विद हीट. द मरकरी एक्सपेंड, जब इसे हीट मिलती है मरकरी फैलने लगती है एंड राइजेज इन द थिन कैपिलरी ट्यूब, और हमें कैपिलरी जो ट्यूब है उसमें राइज ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देता है जो मरकरी है. द टेम्परेचर एट विच द मरकरी राइजेज, जिस टेम्परेचर पर मरकरी राइज कर रही है, इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वही उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर. आप गर्म पानी में डाल दीजिए उसे, गर्म चाय में डाल दीजिए, आप अगर किसी को फीवर हो रहा है आप उसकी बॉडी में टच कर दीजिए तो उससे पता चल जाएगा जब उसका मरकरी जो है राइज होगा. देर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं गाइज, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, इज़ यूज टू मीजर द टेम्परेचर ऑफ अ शॉर्ट रेंज एंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज टू मीजर द टेम्परेचर ऑफ अ हाई रेंज. अगर आपको शॉर्ट रेंज का टेम्परेचर मीजर करना है, ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है जब आपको हाई रेंज का थर्मोमीटर यूज़ करना है तब. अब गाइज यहाँ पे थर्ड में दिया हुआ है आपको, केल्विन भी दिया हुआ था, ठीक है गाइज. केल्विन में क्या है, हम केल्विन को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे सेल्सियस फारेनहाइट. ओके केल्विन स्केल रह गई है, मैं आपको बता देती हूँ केल्विन स्केल के बारे में. केल्विन स्केल का क्या है गाइस, केल्विन टेम्परेचर स्केल इज़ यूज फॉर साइंटिफिक वर्क. ये साइंटिफिक वर्क के लिए यूज़ किया जाता है एंड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. अगर आपको 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो का टेम्परेचर मीज़र करना है तो वो केल्विन स्केल, जैसे माइनस में बताते हैं टेम्परेचर माइनस में, तो वो केल्विन स्केल से ही मीज़र होता है. इट इज़ मार्क्ड एट 273 डिग्री केल्विन, ये मार्क्ड रहता है 273 डिग्री केल्विन लोअर पे एंड
373 डिग्री केल्विन अपर एंड इसका होता है. व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट जीरो डिग्री सॉरी डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री केल्विन वी एड 273 टू इट. मींस अगर आपको क्या करना है गाइस, डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 ऐड करना पड़ेगा. जैसे आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 47, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें गाइस 273 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. जैसे आपको 47 में 273 ऐड करेंगे तो 320 डिग्री केल्विन आपका आंसर होगा. बाकी गाइस ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है. आपकी जो भी क्वेरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आप और अब क्लासेस ऑफ हो ही गई हैं, जैसे आप आज आपकी लास्ट क्लास है, तो इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो मैं नेक्स्ट कराती हूँ आपको जब भी क्लासेस स्टार्ट होती हैं. और आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हैं कभी भी कॉल करके आपकी क्वेरी टाइम पर. चलिए गाइस आज के लिए इतना ही. स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.